नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी, आप देख रहे हैं चिम न्यूज। आए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज कराने वाले वीडियो के बाद अब एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को जेल में होटल से लाया हुआ खाना सर्व किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सत्येंद्र जैन अपने सेल में बड़े आराम से खाना खा रहे हैं, जबकि सत्येंद्र जैन की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि उन्होंने 6 महीने से अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। दरअसल जैन धर्म के मुताबिक बिना मंदिर जाकर पूजा किए पका हुआ खाना नहीं खा सकते हैं, वो सिर्फ फलों और कच्ची सब्जियों पर ही निर्भर है। उसे भी तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। उनका 28 किलो वजन घट गया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से मामले में रिपोर्ट मांगी थी, जिसका आज फैसला सुनाया जाए। वहीं सत्येंद्र जैन के जेल के अंदर खाने के इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, सत्येंद्र जैन को जेल में शानदार खाना परोसा जा रहा है। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के वीआईपी मजे की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा लग रहा है कि वो जेल में नहीं बल्कि रिसोर्ट में मजे ले रहे हैं। इस नए वीडियो में दुष्कर्मी से मालिश कराने और उसे फिजियोथेरेपिस्ट बुलाने के बाद सत्येंद्र जैन को लजीज भोजन का आनंद लेते देखा जा सकता है। इस नए वीडियो में दुष्कर्मी से मालिश कराने और उसे फिजियोथेरेपिस्ट बुलाने के बाद सत्येंद्र जैन को लजीज भोजन का आनंद लेते देखा जा सकता है। एक कर्मी उन्हें ये खाना परोस रहा है, जैसे कि वो किसी रिसोर्ट में छुट्टियां मनाने आ रहे हो। तेजी आज की खास खबर। इस खबर जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल न्यूज के साथ।